अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हम लोग काफ़ी लेट उठे हैं, अभी 1 बज रहा है। इंडिपेंडेंस डे है आज, 75 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, तो आज हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। तो जल्दी से मैं रेडी होकर ऊपर जा रही हूँ और फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। देखिए मैं पूरी रेडी हो गई। अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भूरा और मैं काम करता हूँ पूरा। तो आपको बताए कि हम बाजी घर आए हुए हैं और माशाल्लाह से आज सारी बहनें क्या कहते हैं, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं स्क्रोल करता हूँ, सब लोग देखो, ये सब भाई है, सब बैठे हुए माशाल्लाह। देखिए बच्चे, देखिए माशाल्लाह, हल्के हल्के दौड़ करके घुमाऊंगा। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, क्या कहने, और कैमरा घुमाएगा भाई, माशाल्लाह। ये देखिए एंड में आने के बाद इधर आ जाते हैं, माशाल्लाह। ये देखिए, ये बादशाह भाई हैं और ये केड़े बादशाह भाई हैं। तो माशाल्लाह से ये फैमिली है। अभी इसके अंदर हम यहाँ पर बैठे रूम में, बाहर जाएंगे इंशाल्लाह, शायरी भी देंगे आज। शायद शायरी को और कौन करेगा, ये भाई, भी आज शायरी दो लोग करेंगे। एक जलील शायर तो शायरी करते हैं और आज भाई भी करेंगे। दोनों में से कोई भी कर सकता है, दोनों भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो चलिए इस पार्ट को करते हैं यहीं पर ही कट, मिलते हैं थोड़ी देर में बाहर जाकर। तो हमारी बाजी की तरफ से और माशाल्लाह से सब बहने हैं बैठी हुई माशाल्लाह से। तो आज हमें यहाँ से बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट मिल रहे हैं। आरिश भाई को ये मिली है टी शर्ट, और आपकी कहाँ है खान, दिखाओ जरा अपनी, दिखाओ जल्दी से। कलर सही लग रहा है, नहीं इस पे तो अच्छा भी लग रहा है, काला है ना ये, सॉरी मतलब मजाक कर रहा हूँ। माशाल्लाह, जरा मामू गर्दन पे लगा के दिखाई, बाय वाह, चमक गया लड़का, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पापा को निकालना रख सके, ये पापा को कुर्ता पजामा मिला है माशाल्लाह से, बहुत बढ़िया। अल्लाह पाक इनको तरक्की करवाए और हमारे बहनों साहब के काम के अंदर जबरदस्त माल भेजे अल्लाह पाक। ये रुशना का सूट है, लाइट में दिख नहीं रहा मगर बहुत कमाल का सूट है, ये रहा ग्रीन। तो ये सूट पसंद आ रहा है आपको, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। लाइज ये वाला दिखाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सूट है नौरीन बाजी का। हाँ जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे सूट लेने के? जी बताएं। थैंक यू, ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। जैद के कहाँ है? दिखाओ जैद के, दिखाओ जल्दी से। ये है जैद के, ये और शर्ट गंगा इसकी, ये रही इसकी शर्ट। और ये देखिए, ये इसलिए रो रहे हैं कि इनके कम से कम जब से पैदा हुए बेचारे अंडरवेयर में घूम रहे हैं, आज इनको एक जोड़ी कपड़े नसीब हुए हैं। और ये अभी कुछ और भी निकल रहा है, ये मेरे हैं माशाल्लाह से, ये देखो, ये एक जोड़ी मेरे मिले हैं माशाल्लाह से, सेम टी शर्ट पहन रखी और ये सेम मिल गई, देखो सेम हो गए माशाल्लाह से। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह से, और अल्लाह पाक हमेशा से बहन का घर, और जहाँ बहन का घर है हमारे जीजा का घर अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर हमेशा बरकत रहे। और देखो हम तो यही दुआ करते हैं कि हर किसी की जो बहन है उसके घर में खुश रहे। और जो जैसे कि मेरी बहन को बहन के ससुराल वाले मिले, मैं माशाल्लाह से मैं बता नहीं सकता, कभी आपको मौका मिलेगा या मेरे बहुत सारे भी मेरे दो दोस्त आए हैं, इनको पता है। अभी मैं इससे बोल रहा था, मैंने यार तेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने कहा चल तू भाई आवाज करेगा तो तेरे लिए दवा आ जाएगी। तो कहने लगा भाई मुझे दिख रहा है कि खिदमत कैसी हो रही है। तो अल्लाह पाक यही इज्जत बनाए रखे और अल्लाह पाक इनकी भी इज्जत हमारे दिलों के अंदर बनाए रखे। तो चलिए इस पार्ट को करते हैं यहीं पर कट, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये दो चलिए ठीक है कट करते हैं। हम लोग जो है अभी अमान भाई के घर पर है, और हमारे बाजी का घर वो रहा है, वो टेरिस दिख रही है बस वही इतनी दूर है। और देखिए हम अभी टेरिस पर हैं और यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और वेदर भी अच्छा हो रहा है। देखिए ये कितना प्यारा व्यू है, और मैं आपको दिखाती हूँ नीचे पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये बैठे हुए पापा, ये जैद बैठा हुआ, और ये बैठी हुई चाची।
आपको देख सकते हैं हम ना यहाँ पर किसी दूसरे की छत पर आ गए यहाँ से, और हमारा घर जो है वो दूर की साइड है और यहाँ पर आ गए। और यहाँ पे कोई कुछ कहता नहीं है, किसी और की छत पर भी आ जाओ तो देख सकते हैं आप, हम किसी और की छत पर खड़े हैं। तो मैं आज आपको बाजी की पूरी फैमिली से मिलवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से सब बहुत ही प्यारे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, देखिए। क्या कह दिया? मैं क्या कह दिया, थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आई सच में। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ, तो आप सब कैसे, आप भी बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख सकते हैं हम आबाजी के घर पे, और यहाँ देखिए सब है माशाल्लाह से। ईद है हमारे, क्या कहने। जी बिल्कुल, यहाँ पे जब भी सब आ जाते हैं, यहाँ पे जब भी सब आ जाते हैं, हर दिन ईद है ना। तो देखिए ये जो हमारे थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो जाती है माशाल्लाह से, खैर छोड़ी माशाल्लाह। देखिए अल्लाह पाक ये फैमिली को हमेशा बरकरार रखे। कितना मजा आ रहा है, जरा रूशी दिखाना जरा कैमरे को, देखिए कितने सारे, एक एक करके भी निकालूंगा ना, यूं करूंगा तो खत्म नहीं होने के। अभी थोड़े हैं, अभी आए भी नहीं है, अभी थोड़े हैं, इंशाल्लाह दिखाएंगे सब लोगों को एक साथ में, बड़ा सा पार्टी करके ना उसमें दिखाएंगे। रुपया जमा करेंगे इंशाल्लाह, एक का वो भी। तो देखिए भाई माशाल्लाह से, अगर आप गिन सकते हो इस ब्लॉग के अंदर तो आप गिन लीजिएगा माशाल्लाह से। ये हमारी बाजी की बहुत बड़ी फैमिली है, और अल्लाह पाक इस फैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और इनकी जरूरत तमन्नाएं सारी पूरी करे। और देखिए जब एक बड़ा खानदान होता है ना, तो उसके अंदर चहल पहल भी होती है, और चहल पहल के साथ यहाँ पर ना मतलब कि गम का जब गम होता है तो सारे उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं, और जिस वक्त खुशी होती है उस वक्त मौजूद होते हैं, बट यहाँ गम और खुशी का पता नहीं लगता क्यों। माशाल्लाह से इतनी बड़ा खानदान है कि आसपास में ही सब लोग रहते हैं, दूर भी हैं, बट कुछ भी एनी टाइम किसी भी वक्त आपको किसी की भी जरूरत है हमेशा अवेलेबल रहते हैं सब लोग। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी फैमिली है, अभी तो कम है, और अगर सब लोगों को जोड़ दिया तो पता नहीं कितने बैठेंगे, क्योंकि बस वाले भी बिठाने के लिए मना कर देते हैं हमें, इतने बड़े हैं, इतनी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह से हमारी। तो माशाल्लाह से ये फैमिली हमेशा खुश रहेगी, आमीन। क्योंकि हमारे बीच एक शायर और है जिनकी शायरी है, कौन है भाई? आ जाओ, एक शायरी इनकी भी है। जी फरमाए। चलो, मैं वो सफर था जिसे रोन दिया जाता है, मैं वो जंगल था जिसे काट दिया जाता है, मैं वो दर्द था जिसे दस्तक की कमी खाती है, मैं तो वो था जहाँ टूटी सड़क जाती है। तेरे बात को तो छोड़ बता कैसी है, तुझे चाहता जिसे वो तेरे नजदीक तो है, कौन से गम ने तुझे चाट लिया अंदर से, आजकल तू फिर से चुप रहती है, सब ठीक तो है। क्या कहने भाई, तू ठीक तो है ना, बता दियो तू ठीक तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो हमारे ये वो भी भाई थे और ये भी भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं। कोई शाम कभी तन्हा ना गुजरी हमारी, कोई शाम कभी तन्हा ना गुजरी हमारी, कभी तुम साथ थे और कभी यादें तुम्हारी। आए है, क्या कहने, मेरा ये शायरी सुन के दिल करता है कि मैं एक बार और कुछ नहीं करूं, खैर मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, वरना मैं ये शायरी सुन के जरूर सोचता कि मेरे पास भी कोई बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि मैं कह दूंगा तो मेरे बाद में 76 लग जाएंगे, समझे इस बात को। तो चलिए इस बात को यही करते हैं एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और इस वाले ब्लॉग को आपने बहुत ज्यादा प्यार देना है, और शाहजहांपुर वालों जितने भी हो इस ब्लॉग को वायरल कर दो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, भर दो लाइक, सब कुछ कर दो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।